host will give me global spoken English. Hi friends, I am Aisha and I am from Global Spoken English. आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ शुड ग्रामर. शुड का मतलब होता है चाहिए. कभी भी हिंदी सेंटेंस के आखिर में अंत में अगर जो चाहिए आता है तो वो शुड ग्रामर में प्रयोग किया जाएगा. या फिर तो कोई आपको राय देता है, या फिर तो कोई आपको मशवरा देता है, कोई आपको सलाह देता है तो वो शुड ग्रामर में चला जाता है. जैसे कि आपके मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा तुमको जो ढूंढना चाहिए, यू शुड फाइंड द जॉब. हम सबको क्रिकेट खेलना चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें हिंदी में बात नहीं करना चाहिए, राधा और राजू को खाना पकाना चाहिए. अब आप देख रहे हैं कि हिंदी सेंटेंस के आखिर में चाहिए 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 ही आ रहा है. अब हमें ये तो मालूम हो गया कि हाँ, कभी भी हिंदी सेंटेंस के आखिर में अगर जो चाहिए आता है शुड का, वहां हम शुड का प्रयोग करेंगे. जैसे इसका हम रूल समझ लें. फर्स्टली सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता. जिस प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? सहायक क्रिया. हेल्पिंग वर्ब शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बात चाहे अफर्मेटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे हाँ में हो, चाहे ना में हो, हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे एक लोग हो, चाहे हजार लोग हो, हमेशा हमेशा शुड का प्रयोग होगा. जैसे इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर ले. जैसे मुझे नौकरी करना चाहिए, आई शुड डू द जॉब. मुझे नौकरी नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू द जॉब. और अगर इसको नेगेटिव में करना है तो सेम रूल वही रहेगा, सिर्फ आपको एक चीज बढ़ा देना है, शुड के बाद में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम इसको नेगेटिव में और अफर्मेटिव में कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लें. जैसे तुमको जॉब करना चाहिए, यू शुड डू द जॉब. तुमको नौकरी नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू द जॉब. मुझे अपने पेरेंट्स का अदब करना चाहिए, आई शुड ऑबे माय पेरेंट्स. हमें इंग्लिश में बात करना चाहिए, वी शुड टॉक इन इंग्लिश. हमें इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट टॉक इन इंग्लिश. उसे इंग्लिश में बात करना चाहिए, ही शुड टॉक इन इंग्लिश. उसे इंग्लिश में बात नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट टॉक इन इंग्लिश. उन्हें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, दे शुड टॉक इन इंग्लिश. राधा
और गब्बर को इंग्लिश बोलना चाहिए. राधा एंड गब्बर शुड टॉक इन इंग्लिश. गब्बर को फाइटिंग नहीं करना चाहिए. गब्बर शुड नॉट फाइट. उसे फाइटिंग करना चाहिए. शी शुड फाइट. उसे फाइटिंग नहीं करना चाहिए. शी शुड नॉट फाइट. अब अगर जो हमें शुड और नॉट को मिलाना है, इट मीन्स शॉर्ट करना है, तो शुडंट. अगर जो आपको ये शुडंट नहीं याद हो रहा है, तो आप कहीं भी अगर जो जाए तो इसको रट लेने का. शुडंट 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 शुडंट. तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा. जैसे इसको अगर जो शुड और नॉट का शॉर्ट में करना है, तो उसमें एग्जांपल्स, जैसे मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना चाहिए. आई शुडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब अगर जो शुडंट का शॉर्ट और शॉर्ट करना है, तो शुड शुड. जैसे कोई आपको कोई बुलाता है, तो आपको कोई बोलता सुन सुन. आपके फ्रेंड लोग बोलते होंगे ए सुन, तो वो लोग सा बोलते हैं, तो आप शलजम वाला शा शुन. जैसे मुझे ब्रश नहीं करना चाहिए. आई शुन ब्रश द चीन. प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर इट एंड लाइक इट.